हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल की ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम दी ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा एंगेजमेंट लुक, कि मैंने उसे कैसे क्रिएट किया हुआ था, क्या क्या ज्वेलरीज थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास ना दो ऑप्शन थे, एक तो मैंने लहंगा रखा हुआ था, दूसरा मैंने गाउन रखा हुआ था। तो लहंगा जो था ना, मुझे शादी के कई सारे फंक्शंस में वैसे भी पहनना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एंगेजमेंट में गाउन कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लहंगा लहंगा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने गाउन पिक किया। एंड गाउन में मुझे ना एक पर्पल कलर चाहिए था, बट जो लैवेंडर शेड होता है ना पर्पल का, जैसे अभी मैंने पहना हुआ है, मुझे ये शेड चाहिए था। बट जब मैंने ट्राई किया ना, तो ये शेड मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम जो गाउन का लुक था ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो मैंने दूसरा ट्राई किया एंड इसका जो कलर था ना, ये पीच कलर था, तो ये मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पिक किया जाए। एंड इसके जो स्लिट स्लीव्स थे, ये इस पूरे गाउन की ना लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहे थे। स्पेशली इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एंड इससे फ्लेयर के साथ में जब स्लीव्स चलती है ना, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इसमें मैंने स्लीव्स को इस तरीके से अटैच करवाया था। इसमें आप स्लीव्स अगर चाहो तो अपने कंफर्ट के हिसाब से स्लीव्स को रख भी सकते हो कम, या फिर नॉर्मल स्लीव्स रख सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि ये वाली स्लीव्स ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है चलने वाले करने में, क्योंकि कहीं भी फंस जाती है। तो स्लीव्स आप नॉर्मल भी करवा सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसे अच्छी लग रही तो आप ऐसे भी स्लीव्स को करवा सकते हो, जैसा भी आपको पसंद आ रहा हो। इसके साथ में मैंने दुपट्टा भी कैरी किया हुआ था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो दुपट्टा। वैसे गाउन के साथ दुपट्टा उतना कुछ खास नहीं लगता, बट अगर सर पे आप रखना चाहो तो आपका एक जो वेस्टर्न वेडिंग होती है ना, कुछ उस तरीके का लुक भी तैयार हो जाता है एंड दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप उसे भी कर सकते हो। एंड दूसरा, मुझे हेयर को ना इसका ओपन रखना था, मुझे कुछ हेयर बनाना नहीं था, तो उसके लिए मुझे सिर्फ कर्ल चाहिए थे। तो यहाँ पर मैंने कर्ल करवाए थे हेयर में। एंड हेयर में मुझे सेंटर पार्ट चाहिए था, बट सेंटर पार्ट कुछ खास नहीं लग रहा था, तो इसके लिए मैंने साइड पार्ट करके थोड़ा सा हल्का सा पफ दिया था, जिससे कि इसका लुक जो है ना वो अच्छा लगे। एंड ये मेरे फेस पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड पूरे लुक के साथ में मैंने न्यूड मेकअप करवाया था, तो यहाँ पर जो मेकअप था पूरा न्यूड था। एंड आईज़ को मैंने थोड़ी सी ग्लिटरी करवाई थी, क्योंकि पूरा लुक जो है बहुत सिंपल हो जा रहा था, इसके लिए मैंने आईज़ को ग्लिटरी करवाया था। एंड बाकी जो मेकअप था ना, पूरा न्यूड था। एंड पूरे गाउन में जो है वो सिल्वर कलर का वर्क हो रखा था एंड पीच कलर का वर्क हो रखा था, तो पीच थोड़ा सिंपल हो जा रहा था, इसके लिए मैंने सिल्वर ज्वेलरी पिक की। अच्छा, ज्वेलरी मैंने जो ली थी ना, वो बहुत हैवी नहीं ली थी, बिल्कुल सिंपल सी ये ज्वेलरी ली थी, जिसमें ग्रीन कलर के स्टोन थे। क्योंकि ज्वेलरी जो है ना, वैसे तो ये थोड़ी हैवी कर सकते हैं, अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से हैवी करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप सिंपल वाइट सिल्वर ही ले सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा उसमें कलर ऐड करना था, इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन पिक की हुई है इस तरीके से। एंड ये एडी की ज्वेलरी है। इसके साथ में दो छोटे छोटे ईयरिंग्स थे, बहुत बड़े बड़े नहीं थे, बिल्कुल इतने इतने थे ये ईयरिंग्स। एंड इसके साथ में मैंने पहना हुआ था ब्रेसलेट, जो कि सेम कलर में था कुछ इस तरीके से। एंड इसमें ना यहाँ पर ग्रीन कलर का स्टोन लगा था, बाकी ये सिंपल ही था, तो इस तरीके से ये पूरा स्टोन का कलर कुछ ऐसा आ रहा था। एंड इसके साथ में मैंने पिक किए थे कुछ रिंग्स, तो मुझे ना बड़ी रिंग्स चाहिए थी, बट मैंने बड़ी रिंग्स नहीं ली, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये छोटी छोटी रिंग्स ले ली, वो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो ये थी मेरी फर्स्ट रिंग जो थी, ये थी। एंड सेकेंड जो है वो है ये, पहन के आपको दिखाती हूँ कैसी आ रही थी ये पहनने के बाद। तो ये रिंग थी जो पहन, दो रिंग मैंने कैरी की हुई थी। एंड तो ये थी मेरी ज्वेलरी जो मैंने पहनी हुई थी। एंड एक हाथ में मैंने वॉच पहना हुआ था। एंड इन सब के साथ में मैंने हील्स लिए हुए थे। हील्स भी मैंने सिल्वर ही लिए हुए थे, वो थे ये ट्रांसपेरेंट हील्स, इसमें ऊपर सिल्वर काम हुए, बाकी पूरा ट्रांसपेरेंट है। एंड यहाँ पर हील्स में भी थोड़ा थोड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 2.5 इंच की हील्स ली हुई थी। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इतनी भी ले सकते हो या फिर ज़्यादा भी ले सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप चलने में जितना कम्फर्ट हो आप उस हिसाब से ही हील्स को कैरी करो। इसके अलावा आप वेजेस को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी दिखते तो है नहीं, हील्स पर फोटोज़ वगैरह में आ जाती है,
तो वेजेस क्या होती है, कंफर्टेबल भी होती है, आराम से चल भी सकते हो, तो या फिर हील्स या वेजेस आप जैसा भी कंफर्टेबल हो आराम से आप उसे कैरी कर सकते हो। सो गाइस ये था मेरा फुल एंगेजमेंट लुक, तो फोटो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी जिससे आप पूरा लुक देख पाओगे। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।